अरे चचा कहाँ? ये शूज का कलेक्शन है और मेरे को पसंद तो ये आई थी, बच्चों को घर जाने की जल्दी कितनी जल्दी होती है, देखो कैसे दौड़ रहा है वो, देख रहे हो? मतलब बारिश होने की पूरी चांसेस है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। हेलो हाय जोहार नमस्ते सभी को, द कैप्टन ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मुझे तो अभी और वेट करना पड़ेगा। कहाँ भागे जा रहे हैं जी आप? ये फिर से बड़ी मेहनत से, अबे रुक जाना बे साला। हाँ रुक जाना बे साला, अपना किसका लगता है मेरा? अबे आवाज रुकेगा ना थोड़ी देर ही भाई, मेरा तो कोल्ड स्टार्ट होने का टाइम है। अबे बहुत क्लोज करके रख दिया रे बाबा। ये पांडे सुन ना, उसको थोड़ा उधर करना भाई, देख रहे हो? आदमी जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा गाड़ी लेता ना, तो यही हाल होता है। देखो 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 ये देखो चलिए सर भाई, गाड़ी पंचर तो नहीं ना है? तो भाई तो ये रहा जबरदस्त माहौल। तो भाई अभी जा रहा हूं मैं, देखो अभी स्पीडोमीटर चल रही है, खुशी वाली बात तो है मेरे लिए, बट कभी कभी ये दुख दे देती है। कब? जब इस पे कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब स्पीड जीरो, तब सोचो क्या हाल होता होगा मेरा भाई। बहुत टिपिकल इंडियन रोड, गाय भैंस माता जी। अरे चचा कहाँ? अरे भाई वो डर गया यार, मैं तो कुछ गया भी नहीं था। तो भाई मुझे लेने एक नए शूज, देखता हूँ अभी जाकर के इस शॉप पे कि वो शूज अवेलेबल है कि नहीं है। देखो अब पार हो सकते हैं, कितनी लंबी लाइन है आप देख रहे हो यहाँ से वहां तक, तो भाई इतना आसान नहीं होता यार कांटा टोली में गाड़ी चलाना यार। देखो यार ये ऑटो वाले लोग तो अलग केच मचाए रखते, पूरा भर के रख देते इधर, आप निकल ही नहीं सकते कहीं, कहीं पुलिस वगैरह मेरे को छेके ना, क्योंकि आजकल चेकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत एक्सेस वाली चेकिंग चल रही है। देखो भाई का भी एक्रोफोबिक है। ओके बस बस कोई ना पकड़े यार, इतना दूर से ही आवाज आता है। अरे यार देखो भाई मैं परेशान हूं, मैं काटा टोली के ट्रैफिक और यहाँ के नियम कानून से बहुत परेशान हूँ। अरे देखो देखो पुलिस पकड़ रही है, ये देखो। ओ भाई तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है कि पूरा इसका क्लच दबा दो ताकि इसकी जो साउंड है वो कम हो जाए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं। पकड़ बस 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 भाई, अरे चचा रुको, इलेक्ट्रिक बाइक यार पूरी तरीके से फैल चुकी है, अभी आप जहां देखोगे ना यार भयानक टाइप से इलेक्ट्रिक बाइक निकल चुकी है यार। पुलिस यार पुलिस, हर जगह पुलिस, देखो देखो हर जगह ही ट्रैफिक पुलिस भरी पड़ी है। रुक जाओ
पेडल दबा करके निकलते हैं। देख रहे हो आवाज पटाखे। ओहो, अरे लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, अरे दिल धक धक करता है रे, तुम पे ही मरता है रे, सुन क्या क्या कहता है रे, और रूप की रानी मेरे हाँ। तो भाई काटते पीटते निकलते झुकलते हम लोग, अरे देख लो भाई इधर भी एक बार भाई, ऑटो वाले से बहुत बच के यार, अब कहाँ जाएं, ये लोग तो पूरा उधर कर दिए। ये देखो गंदा पानी यार, क्या ही बोले अब, बहुत जोरों की भूख भी लगी है यार। कैसा चला रहा है यार, ये क्या गिरा हुआ है यार, अरे यही दिक्कत है भाई रांची में गाड़ी चलाने का। देखो फिर से ऑडोमीटर जीरो हो गया, क्या बोले हम, क्या ही बोले बताओ। वो देखो फंस गया भाई। बहुत तेज हो रहा है साल। जल्दबाजी का नतीजा देख रहे हो गाइस क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा सबर कर लेना चाहिए। और ये देखो महाशय को कोई गाड़ी पार्क करके चले गए। लेट्स ट्राई, कैसा है यहाँ का सर्विस और कैसी है प्राइस आपको पता चलेगी। तो भाई दिख तो बहुत हार्ड रही है और मेरी बाइक भी बहुत हार्ड दिख रही है बाहर से। ये देखो यार, शूज देखना था, देखा हुआ है तो कि ओके, मेरे को जो पसंद है अब बताओ यार कौन सा लेना चाहिए एक्चुअल में। हम मुड़ गए जाके तेरे, ये तो है मेरे पास। ये देखो गाइस बढ़िया सा उधर चेक कर दे, मैं बहुत दिनों से देखा था बट देख ही रहा था उधर से, कभी सामने से आके चेक नहीं किया था। चलो आज मौका मिला है कम से कम चेक तो कर लेते हैं गाइस। ये शूज़ का कलेक्शन है और मेरे को पसंद तो ये आई थी बट इसको अभी ले नहीं रहा हूँ मैं, और नेक्स्ट बार आकर के इसे ले जाऊँगा। अब बताओ ये कैसा लगा आपको एक्चुअली में, तो प्राइस आप डायरेक्ट DM कर लेना मेरे से तो मैं बता दूँगा आपको। चलिए फिर, यहाँ पास बहुत सारे कलेक्शन भी हैं आपको मिल जाएंगे, तो निकलते हैं हम लोग आगे और बैठते हैं CSB वगैरह में और जाएंगे घूमने, थोड़ा सा खा पी लेंगे तो उसके बाद निकलते हैं यार। इस ओवर रेटेड है भाई, 3000 थिंग प्राइस है भाई, इतने प्राइस में ना न्यू आ जाएगी मैं बता देता हूँ। तो भाई जब न्यू ही आ जानी है उतने में तो फिर यार इतना प्राइस लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अब एक लूँ तो डायरेक्ट वो वाला ले लूँ, क्या बोलते हैं आपको, ओरिजिनली ले लेता हूँ यार लोकल शूज पे। इससे अच्छा कि आप पूमा की, ये देखो जो मैंने पहना हुआ है ना ये पूमा का ओरिजिनल है, तो इस पे लगा लो यार आप, पैसे के पैसे और सामान के सामान वर्थ इट हो जाएगा। मुझे ओवर प्राइस लगा इसलिए मैं बोला, क्योंकि ओवर प्राइस्ड थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और मैं आपको दिखा दूँ अभी पूमा का सेल चल रहा था, उसमें मेरे को शूज़ पसंद आई थी जो 4500 रुपये की मिल रही थी। अभी यहाँ पास देख लो वो लिस्ट आपको, तो बहुत प्यारा सा लगा था वो मेरे को,
मैं सोच रहा हूँ मैं उसी को खरीदूँ। आप बताओ यार, दोनों में से मुझे कौन सी खरीदनी चाहिए, ओरिजिनल वाली या फिर कॉपी वाली? क्योंकि भाई रांची में ना बुरा नहीं मानना, मैं भी पहना हूँ, मैं भी दो तीन शूज़ पहना हूँ जो कॉपी वाली पहनता हूँ, मगर कॉपी वाली शूज़ के बाद ये ऐसा होता है ना कि वो टिकती नहीं भाई, समझा, वो टिकती नहीं और फिर मज़ा नहीं आता, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैक्सिमम लोग पहनते ही हैं, और कॉपी अगर सही प्राइस पे मिल जाए कॉपी वाला तो कोई दिक्कत नहीं है यार, बट 3500 और 3-4 हज़ार लगा करके अगर आप कॉपी ख़रीद रहे हो और उसे फिर पहन रहे हो ना, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मेरे को अगर 2000 तक में मिलता तो 2 से 2500 तक में तो मेरे को ठीक था, बट कोई नहीं यार, वो लोग भी यार इतना सेटअप बैठा के रखे हैं भाई, कुछ तो बेचने के लिए ना, तो कोई नहीं यार, आज नहीं लिए यार, और किसी दिन ज़रूर लेंगे भाई। आप बताना कि आप कौन सी शूज़ पहनते हो, मैं तो फ़िलहाल पूमा और एक नाइकी जॉर्डन का जो कॉपी वर्जन है उसे मैं पहनता हूँ। रैप करना है भाई साहब, अच्छे लोग है जी यार। भाई कुत्ता दौड़ा दिया यार भाई साहब, चलो ठीक है ना। हाँ यूट्यूब पे भी है, हाँ सेम द कैप्टन ब्लॉग। अरे जरूर, चलो मिलते हैं फिर, है ना। बच्चे लोग का रिएक्शन प्राइसलेस भाई, प्राइसलेस। कुछ तो आपने देख लिया यार, मेरे को खरीदने के बहुत मन था, बट थिंग इज दैट ना कि उसका प्राइस मैच नहीं कर रहा था मेरे मन से, इसी वजह से मैंने नहीं लिया, बट कोई ना, अब ओरिजिनल लूँगा, पूमा का ही लूँगा, बट लूँगा जरूर यार।